हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग एक और स्ट्रिंग को एक और लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करेंगे। लेट्स से जो लैंग्वेज मेरे पास है दैट इज WAW Reverse, वेयर W इज एलिमेंट ऑफ AB स्टार। इसका मतलब क्या है कि W में केवल AB कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो लेट्स से अगर हमने W माना है AB, तो W रिवर्स होगा BBA। तो WAW रिवर्स जो स्ट्रिंग हमारी होगी दैट विल बी ABB फॉलोड बाई ए एंड देन फॉलोड बाई BBA। तो ये एक पैलिंड्रोम है, आप देख सकते हैं कि इस ए का ए के साथ मैच है, इस बी का बी के साथ मैच है, इस बी का बी के साथ मैच है और ए सेपरेटली यहाँ पे है। तो ये एक पैलिंड्रोम है और जो कि ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम है। ओके, सो दिस इज द ऑड लेंथ पैलिंड्रोम। सो इट इज नॉट सेड दैट दिस इज ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, दिस इज सेड दिस इज WAW रिवर्स। स्पेसिफिक इसको ये कहा गया है WA एंड W रिवर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये ऑड पैलिंड्रोम जनरलाइज्ड ऑड पैलिंड्रोम है तो उस केस में बीच में W और W रिवर्स के बीच में A ही नहीं B भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम WAW रिवर्स के लिए बना लेते हैं, देन उसी में हम इंक्लूड कर देंगे WBW रिवर्स, जिससे कि ये जनरलाइज बन जाएगा ऑड पैलिंड्रोम के लिए। तो आइए इसको हम डिजाइन करते हैं। तो हमने ये माना है कि मेरे पास जो W है दैट इज ABB एंड देन WRIVERSE मेरे लिए हो जाएगा BBA और WAW रिवर्स विल बिकम ABB फॉलोड बाई ए देन BBA। ट्यूरिंग मशीन के थ्रू अगर हम करना चाहेंगे तो हम सबसे पहले इस ए को ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे, आगे जाएंगे और इसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर देंगे, फिर वापस आएंगे इस बी को ब्लैंक में कन्वर्ट कर देंगे, फिर लास्ट तक जाएंगे और इस वाले बी को ब्लैंक में कन्वर्ट कर देंगे, फिर वापस आएंगे इस बी को ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे, आगे जाएंगे इस बी को ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे, फिर पीछे आएंगे और पीछे आने के बाद ब्लैंक तक पीछे आएंगे, इस ए को हम ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इस ए को ब्लैंक पर कन्वर्ट करने के बाद आगे इसका पेयर नहीं मिलेगा क्योंकि इसके आगे ब्लैंक होगा। इसी पोजीशन पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमें ऑड पैलिंड्रोम मिल गया है। तो एक टेप बना लेते हैं और उस टेप पे इसकी एंट्री कर देते हैं। तो वी हैव AB फॉलोड बाई ए एंड देन BB एंड A। वी हैव लॉट ऑफ ब्लैंक्स इन द बिगिनिंग एंड लॉट ऑफ ब्लैंक्स इन द एंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द Q0 स्टेट और इसके बाद मुझे ए मिलता है, मैं इस ए को ब्लैंक में कन्वर्ट करके राइट की तरफ जाता हूँ। सो ए को मैंने ब्लैंक में कन्वर्ट किया एंड लेट्स मूव टुवर्ड द राइट। राइट के रास्ते में जितने भी ए मुझे मिलेंगे मैं उसको ए ही छोड़ के राइट की तरफ जाऊँगा, और अगर मुझे रास्ते में बी मिले तो मैं उसको बी छोड़ के भी राइट की तरफ जाऊँगा। सो इसको मैंने स्किप किया, इसको स्किप किया, इसको स्किप मतलब कि इसको वही कैरेक्टर छोड़ते हुए राइट की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपको ब्लैंक मिलेगा उसको ब्लैंक छोड़ के लेफ्ट की तरफ आइएगा और लेफ्ट में आप देखेंगे कि आपको ए मिला। तो आप ए को ब्लैंक में कन्वर्ट किया था आपने लेफ्ट में, और अब राइट वाले पार्ट में भी एक ए मिल गया, इसको भी आप ब्लैंक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको Q2 स्टेट में है, आपने क्या किया, आपको मिला एक ए, इसको आपने ब्लैंक में कन्वर्ट किया और फिर आप लेफ्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। सो लेट से आप Q3 स्टेट में, ओके Q3 स्टेट में। लेट्स आप Q3 स्टेट में, सो दिस इज ए को आपने ब्लैंक में कन्वर्ट करके लेफ्ट में चले। तो ए को आपने ब्लैंक में कन्वर्ट करके जब आप लेफ्ट में चलेंगे तो बी या ए रास्ते में कुछ भी मिल सकता है, इन सबको स्किप करते करते लेफ्ट में आपको ब्लैंक तक पहुंचना है। सो अगर आपको रास्ते में ए मिला तो आप उसको ए ही छोड़ के लेफ्ट की तरफ चलिए, आपको बी मिला तो उसको बी छोड़ के लेफ्ट तक चलिए, जब आपको ब्लैंक मिल जाएगा तो उसको ब्लैंक छोड़ के राइट में मूव कर जाइएगा, क्योंकि अब दूसरे करेक्टर को ब्लैंक में कन्वर्ट करने का नंबर है। सो आपने ब्लैंक देखा, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के आप राइट की तरफ गए, राइट में आपको ए की जगह बी मिल रहा है, बी के लिए हम दूसरी डायरेक्शन एक डिसाइड कर लेते हैं। तो लेट से आपको बी मिला, उसको आपने ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया और राइट की तरफ मूव कर दिया, इस बी को हमने ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया और राइट की तरफ मूव कर दिया। लेट्स रिमूव ऑल द डिमार्केशंस सो दैट वी रिमेन ओनली विद द राइट कैरेक्टर्स। सो इस बी को आपने कन्वर्ट किया, राइट की तरफ मूव किया, यू आर रीचिंग टू लेट से सम Q4 स्टेट। इसमें ये जो बी है उस बी को बी ही मुझे छोड़ना है और राइट की तरफ जाना है।
अगर रास्ते में मुझे ए मिलेगा तो मैं ए को ए ही छोड़ के राइट की तरफ जाऊंगा और मैं तलाश करूंगा एक ब्लैंक की। तो ए या बी को स्किप करते हुए मुझे राइट की तरफ जाना है, और जैसे ही मुझे ब्लैंक मिलेगा उसको मैं ब्लैंक छोड़ के लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा। सो लेट्स से आई हैव रीच्ड टू स्टेट नंबर 3 5। सो ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के मैं लेफ्ट आ रहा हूँ, इसका मतलब ये बी है। अगर ये बी ही है तो इसको ब्लैंक पर कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमने पहले बी को या लेफ्ट साइड के बी को ब्लैंक पर कन्वर्ट किया था। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, फाइन। सो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने बी को ब्लैंक में और लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा। रास्ते में जितने भी ए मिलेंगे मैं उसको छोड़ते हुए पीछे आऊंगा, जितने बी मिलेंगे मैं उसको पीछे छोड़ते हुए पीछे आऊंगा। जब मुझे ब्लैंक मिल जाएगा, मतलब ये वाला ब्लैंक मिलेगा, तो इसको ब्लैंक छोड़ के राइट की तरफ जाऊंगा। यू आर एट दिस पोजिशन में। ओके, नो, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ा आपने, लेफ्ट की तरफ आए, इसका मतलब क्या, आप Q0 स्टेट में आ गए। Q0 स्टेट में आपको स्मॉल बी मिला, उसको आपने ब्लैंक में कन्वर्ट किया और Q4 स्टेट में गए। रास्ते में जितने भी आपको ए या बी मिले उसको छोड़ते छोड़ते ब्लैंक तक जाना है, और ब्लैंक जैसे आपको मिले उसको छोड़ते छोड़ के लेफ्ट की तरफ आना। तो आप लेफ्ट की तरफ आए और बी मिले, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ा, लेफ्ट की तरफ आए Q5 स्टेट। और अगर ये बी है तो उसको ब्लैंक में कन्वर्ट करके लेफ्ट की तरफ चले, वी आर मूविंग टू Q3 स्टेट। तो इस बी को आपने ब्लैंक में कन्वर्ट किया, लेफ्ट की तरफ आए। रास्ते में आपको कुछ ए मिले, उस ए को छोड़ते छोड़ते पीछे आना है। ये वाला बी को ब्लैंक में कन्वर्ट किया और पीछे आया ए। ये ए है, इसको छोड़ते छोड़ते Q3 स्टेट में आपने इसको छोड़ते छोड़ते पीछे की तरफ आना है। पीछे आपको मिल गया ब्लैंक, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ना और राइट की तरफ जाना है, इसका मतलब Q0 स्टेट में आ गए हैं। और ब्लैंक के आगे ए है, इसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर दीजिएगा। लेट्स से वी हैव कन्वर्टेड दिस टू ब्लैंक और राइट की तरफ मूव किया। जब आप राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है, ब्लैंक दिख रहा है। अगर आपको ये ब्लैंक दिख रहा है तो इसको जैसे इस ए को कन्वर्ट किया तो आगे आपको ब्लैंक दिख रहा है, तो ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के लेफ्ट की तरफ आना है। ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के जब लेफ्ट में आ रहे हैं, तो अगर इवन पैलिंड्रोम वाला पार्ट था तो इसमें मुझे मिल रहा था ए का पेयर ए मिल रहा था, लेकिन अगर ये बीच में ए के और है तो इसका कोई पेयर मुझे नहीं मिलेगा। तो आप यहीं पर डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारा ऑड पैलिंड्रोम फाइंड हो गया है ए के कारण। Q2 स्टेट में आप हैं, आपको ए की जगह ब्लैंक मिला है, तो इस ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के आप राइट की तरफ चलिए और एक स्टेट बना दीजिए। लेट से ये Q6 स्टेट है जो कि फाइनल स्टेट है मेरा। तो वी आर एक्सेप्टिंग W रिवर्स एट द Q6 स्टेट। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता था कि मेरी स्ट्रिंग WBW रिवर्स होती है, तो उस केस में इस डायग्राम में Q6 स्टेट ना होता, बल्कि आप मूवमेंट करते करते इस वाले डायरेक्शन को फॉलो करते, और इसमें आपने एक बी को ब्लैंक में कन्वर्ट किया हो तो राइट में जाते, फिर ब्लैंक ब्लैंक मिलता लेफ्ट की तरफ आते, लेकिन इस बी का पेयर नहीं मिलता, बी का पेयर नहीं मिलता तो मुझे ब्लैंक मिलता, तो ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के राइट या लेफ्ट जहाँ तक भी आप जाइए। और लेट्स से दिस इज दी Q7 स्टेट, और ये हमारा WBW रिवर्स को एक्सेप्ट करेगा। Q6 स्टेट उस केस में नहीं होगा। लेकिन अगर हमसे ये कहा गया है कि मुझे ऑड पैलिंड्रोम के लिए एक ट्यूरिंग मशीन बनानी है, तो उस केस में WAW रिवर्स भी होगा और WBW रिवर्स भी होगा। तो ये जो डायग्राम कंप्लीट है, जिसमें कि Q6 और Q7 फाइनल स्टेट्स हैं, ये कंप्लीट डायग्राम होगा फॉर दी ऑड पैलिंड्रोम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स।